अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोकेम ग्रेजुएट्स। ओके, सो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट लेक्चर का एंड हुआ था, लाइक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो कि कैटाबॉलिज्म के हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ मेजर ऐसे पॉइंट्स जो कैटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं और डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म हमें पता है, लास्ट टाइम भी ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस हुई थी कि व्हाट इज़ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एक ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, मतलब कि एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल स्मॉल मोनोमर्स के अंदर उसका ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए, और फैटी एसिड जो है वो लिपिड जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये लार्ज बल्क एक मैक्रोमोलिक्यूल का कन्वर्ट हो जाना उसके मोनोमर्स के अंदर और फैटी एसिड के अंदर एंड अमीनो एसिड के अंदर रिस्पेक्टिवली कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म के अंदर आ जाएगा। ओके, सो मेन कुछ पॉइंट्स हैं वो कैटाबॉलिज्म के की अगर हम बात करें तो कैटाबॉलिज्म में होता क्या है। फर्स्ट चीज़ जो होती है, ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू देयर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी केस में हम कार्बोहाइड्रेट उठा लें, प्रोटीन्स उठा लें, लिपिड उठा लें, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ले लें, कोई कुछ भी ले लें, उसकी कैटाबॉलिज्म स्टार्ट ही उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो अपने जो है वो एक किस में नहीं आ जाए, वो अपने मोनोमर्स के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन भी स्टार्ट नहीं होगी, उसमें से हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगा उस वक्त तक जब तक उसकी कंप्लीट क्या नहीं हो जाएगी, डिग्रेडेशन नहीं हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप है कि अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म मैं चाहती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म मुझे करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, उसके मोनोमर्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके मोनोमर्स मतलब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बन गया। ठीक है, ग्लूकोज की होगी अब ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में वो कन्वर्ट होगा पाइरूवेट के अंदर। ठीक है, एंड पाइरूवेट से फिर वो कन्वर्ट होगा एसीटाइल को ए के अंदर। ठीक है, एसीटाइल को ए के अंदर जैसे ही वो कन्वर्ट होगा, देन अब जाके वो कहाँ जाएगा, टीसीए साइकिल के अंदर या क्रैब साइकिल के अंदर अब जाके वो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी मज़ीद। ठीक है, बट उससे पहले लाजमी है कि कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन टू देयर बिल्डिंग ब्लॉक लाइक पॉलीसेक्राइड्स आर ब्रोकन डाउन टू मोनोसेक्राइड्स, लिपिड्स टू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन टू अमीनो एसिड। ठीक है, ये लाजमी है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा कैटाबॉलिज्म के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इंटरमीडिएट्स, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट बताया कि ग्लूकोज है ना, ठीक है, ग्लूकोज किससे मिला है हमें, ग्लूकोज मोनोमर से कार्बोहाइड्रेट से मिला है हमें। अब ग्लूकोज से जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हुई उसके नतीजे में पाइरूवेट मिल गया। ठीक है, इट इज़ अ इंटरमीडिएट, ओके, इंटरमीडिएट है। फिर पाइरूवेट ने अपने आप को कन्वर्ट किया एसीटाइल को ए के अंदर। ठीक है, तो ये पाइरूवेट और ये एसीटाइल को ए बोथ आर द इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ये इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी फॉर्मेशन होगी। थर्ड, तीसरा पॉइंट, फाइनल ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटाइल को ए। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, तो इनकी एग्जांपल ले रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स हो या फैट हो, ठीक है, या अदरवाइज प्रोटीन हो, इनको कन्वर्ट होना है क्रैब साइकिल के अंदर जाने से पहले एसिटाइल को ए के अंदर। ठीक है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू टू पाइरूवेट एंड वन पाइरूवेट कन्वर्टेड इनटू
वन सिंगल कैसेटाइल कोए, इसी तरीके से लिपिड है, लिपिड की भी ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी है प्रोसेस वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे, बट टीसीए साइकिल में जाने से पहले उसको लाजमी कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोए के अंदर, ठीक है, ठीक है, एसिटाइल कोए। अच्छा, एसिटाइल कोए का भी बता दूं कि एसिटाइल कोए बेसिकली है क्या और जो है वो क्यों ज़रूरी है कि प्रोटीन का, लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट होना लाजमी एसिटाइल कोए के अंदर ना, ठीक है, ओके। एसिटाइल कोए बेसिकली, एसिटाइल कोए इज़ अ मॉलिक्यूल दैट पार्टिसिपेट्स इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। Its main function is to deliver the acetyl group to the citric acid cycle to be oxidized for energy production or purpose, ठीक है, मतलब कि for example acetyl CoA का मकसद पता है क्या है, citric acid cycle को हम लोग TCA cycle भी कहते हैं, citric acid cycle भी कहते हैं, उसका reason यही है कि जो first उसका member है ना वो citrate है, ठीक है, citrate के साथ एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल को ए जो है वो अपना एसिटाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र करता है सिट्रेट को, ठीक है, देन उसके बाद ये वाला पूरा जो साइकिल है ना टीसीए साइकिल वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर एसिटाइल को ए ना हो, ठीक है, मतलब कि अगर ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, पाइरुवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं हुआ, प्रोटीन जो है इसी तरीके से वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट नहीं हुआ या लिपिड कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती टीसीए साइकिल के अंदर, और जब तक वो टीसीए साइकिल के अंदर नहीं जाएंगे एनएडीएच नहीं मिलेगा, एफएडीएच टू नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनकम्प्लीट है, पूरा का पूरा साइकिल इनकम्प्लीट है और एटीपी हम लोगों को नहीं मिलेगी, एटीपी फॉर्म नहीं होगी। तो ये सारे जो क्या है ये सब स्टेप्स हैं, ठीक है, मतलब कि एसिटाइल कोए का बनना उसकी क्रैब्स साइकिल के थ्रू उसकी ऑक्सीडेशन होना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसका एंड प्रोडक्ट होता है, एंड उसके बाद जो उस साइकिल में एनएडीएच फॉर्म हुआ है या एफएडीएच टू फॉर्म हुआ है वो अब जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, उससे फिर फर्दर हमें एटीपीज मिलेंगे, खैर वो भी एक अलग चैप्टर है, वो जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो कवर करेंगे, बट अभी मेन पर्पस ये है कि एसिटाइल कोए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर एसिटाइल कोए नहीं होगा तो कोई प्रिकर्सर नहीं है, ठीक है, कोई प्रिकर्सर नहीं है, एसिटाइल कोए नहीं है तो उसके साथ जो है वो कौन फॉर्म होगा, कौन बाउंड होगा सिट्रेट के साथ और साइकिल किस तरीके से आगे फर्दर जो है वो चलेगी। तो दैट्स वाई कैटाबॉलिज्म के अंदर या कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो टीसीए साइकिल है ना, टीसीए साइकिल को हम लोग सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं और सेंट्रल मेटाबॉलिक हब भी कहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल कोई सा भी हो उसको लाजमी कन्वर्ट होना है एसिटाइल कोए के अंदर और वो हर हाल में टीसीए साइकिल में जाएगा। टीसीए साइकिल में जाने के बाद ही उसका जो फाइनल स्टेप है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, ठीक है, फिर वो उसके अंदर जाके फाइनल कंप्लीट उसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड देन एटीपी मिलेगा हमें, ठीक है, बट इससे पहले उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एसिटाइल कोए में एंड फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू अपने इन एनएडीएच में और एफएडीएच टू में, ठीक है, ओके। उसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी तरीके से अगर एनाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, मतलब कि एनाबॉलिज्म अगर है तो एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, एनाबॉलिज्म फिर इसका थोड़ा सा इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों जो कैटाबॉलिज्म है और एनाबॉलिज्म है पाथवे हैं, ठीक है, बोथ आर इरिवर्सिबल, ठीक है, वो इरिवर्सिबल हैं, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने आप को रन करवा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर मुझे कोई चीज़ फॉर्म करवानी है, ठीक है, मींस के फॉर एग्जांपल के बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, ग्लाइकोजिन का बनना, ठीक है, ग्लाइकोजिन का बनना एक क्या है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, जब फॉर्मेशन हो रही है तो एनाबॉलिज्म है ये, ठीक है, ये एनाबॉलिज्म है
और अगर वही ग्लाइकोजिन टूटेगा तो वो क्या हो जाएगी, कैटाबॉलिज्म है। तो दोनों देखें एक दूसरे के इन्वर्स है ना, एक तरफ कैटाबॉलिज्म है एक तरफ एनाबॉलिज्म है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म डीग्रेडेटिव प्रोसेस है, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन प्रोसेस है, और उसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही होती है, एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है, हमेशा एनर्जी मिलेगी, ओके। और जो एनाबॉलिज्म है उसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है, क्योंकि बॉन्ड को जो है एक तरीके से बनना है ना, फॉर्मेशन जब करवाते हैं हम बॉन्ड्स की, जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एक पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एक एनर्जी, फ्री एनर्जी चाहिए होती है। तो वो फ्री एनर्जी बेसिकली कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी, जब एटीपी का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो फॉस्फेट रिच कंपाउंड है, तो जब फॉस्फेट टूटेगा तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी और फिर जाके बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एनाबॉलिज्म करवाते हुए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और कैटाबॉलिज्म के दौरान एनर्जी हमें मिल रही होती है, फ्री एनर्जी बन रही होती है, ठीक है। तो दोनों इस तरीके से भी इन्वर्स है, मतलब एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं और रिवर्सिबल है। तो अब इंशाल्लाह जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, मतलब फर्स्ट हम ग्लाइकोलाइसिस लेंगे, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में से कि ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट हु, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, पाइरूवेट से कन्वर्ट एसिटाइल कोए में, एंड देन उसके बाद टीसीएस साइकिल में जाके उसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।